हे गाइस, सतीश हियर, आई एम बैक विद अनदर केडन लाइव वीडियो एडिटर ट्यूटोरियल। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केडन लाइव वीडियो एडिटर के अंदर आप कैसे जो वीडियो एडिटर की लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। तो गाइस, दो कंडीशन हो सकती है इसके अंदर। पहला कि आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो, आपकी जो लैंग्वेज अभी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश होगी एंड उसको आप बदल के दूसरी लैंग्वेज में करना चाहते हो। दूसरी कंडीशन क्या है या दूसरा केस क्या है कि आप ऑलरेडी लैंग्वेज बाई चांस गलती से चेंज हो गई है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे अब इसकी दोबारा से इसकी लैंग्वेज को इंग्लिश में करें। ठीक है, तो दोनों कंडीशन है। पहली कंडीशन पहले मैं बता देता हूँ आपको। तो गाइस, आपको ये मेनू दिख रहा होगा, ये सारे मेनू, फाइल एडिट, व्यू। तो क्या करना है, हमको हेल्प मेनू पे क्लिक करना है। हेल्प मेनू सबसे लास्ट में ये, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद में स्विच एप्लीकेशन लैंग्वेज, नीचे से थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि यहाँ से सबसे लास्ट में हेल्प एंड यहाँ से फिर उसके बाद में स्विच एप्लीकेशन लैंग्वेज, थर्ड, नीचे से थर्ड एंड ऊपर से सिक्स्थ पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 6। देन इस पर क्लिक करेंगे, देन ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, एंड इसके अंदर आप देख सकते हो नीचे से ये डिफ़ॉल्ट्स, कैंसिल एंड ओके, ये तीन बटन है। एंड यहाँ सबसे मेन चीज़ प्राइमरी लैंग्वेज, यहाँ से अब हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, यहाँ अरेबिक है, ये बेस्क एंड बॉस्नियन, काफ़ी सारी ब्रिटिश इंग्लिश, तो ये काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं। तो जिस भी लैंग्वेजेस के अंदर आपको चेंज करना है उस लैंग्वेज में आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक बार जैसे कि कोई भी एक लैंग्वेज, जैसे मैं ये इंडोनेशियन कर देता हूँ एंड ओके कर देता हूँ, तो ये लैंग्वेज चेंज हो चुकी है। बट ये चेंजेस अप्लाई नहीं होते अनटिल और अनलेस, जब तक हम इसको एडिटर को बंद नहीं करते। तो मैं बंद करके दोबारा से ओपन करता हूँ एडिटर को, एंड ये एडिटर मैं ओपन करता हूँ दोबारा से। तो अब आप देख सकते हो कि एडिटर की लैंग्वेज बिल्कुल ये चेंज हो चुकी है। ये देखिए, यहाँ फाइल एडिट, टेम्पलेन, प्रोजेक्ट टूल, क्लिप, टाइमलाइन, मॉनिटर, एंड ये अलग लैंग्वेज में आ रहा है। ठीक है, एंड ये इंडोनेशियन कुछ थोड़ी सी मिलती जुलती है, बट इसमें यहाँ हेल्प मेनू आ रहा था, बट ये अब नहीं आ रहा है। ठीक है, अब कैसे चेंज करेंगे, तो मैंने बताया सबसे लास्ट में ये हेल्प, एंड यहाँ से नीचे से थर्ड ऑप्शन, एंड यहाँ से इसको हम यहाँ से देखेंगे। यहाँ से अगर दिख रहा है तो ठीक है, इंग्लिश तो यहाँ मेरे को लग नहीं रहा कि यहाँ इंग्लिश दिखेगा। देन इसके बाद में क्या कर सकते हैं, हम इसको कैंसिल करेंगे एंड यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। ये डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज हो जाएगी जो कि इंग्लिश है। ये देख सकते हैं, इसको मैं क्लोज़ करके एंड दोबारा ओपन करूँगा, तो ये देख सकते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही आ गया है। ठीक है, एक और लैंग्वेज पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हेल्प मेनू एंड देन इसके बाद में स्विच एप्लीकेशन लैंग्वेज, एंड यहाँ से हम जैसे कि अरेबिक करके देखते हैं। ठीक है, ये अरेबिक उल्टा हो जाता है बिल्कुल। ये देखिए, जैसे कि अब मैं दोबारा ओपन करता हूँ, ये देखिए बिल्कुल अपोजिट में हो गया। इसका मतलब यहाँ से फाइल एडिट मेनू एंड सबसे लास्ट में जो होगा वो हेल्प मेनू है, हेल्प एंड नीचे से थर्ड, देन यहाँ से ये ओके का ये बटन एंड ये कैंसिल एंड ये डिफ़ॉल्ट वाला। ठीक है, तो लैंग्वेज ये चेंज हो गई है। क्लोज़ किया एंड दोबारा से ओपन किया, तो ये देख सकते हैं कि लैंग्वेज ऐसे हम चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे हमने लैंग्वेज चेंज कर ले रहे हैं, बस केवल हम अंदाजे से कर रहे हैं, जो कि अगर आप ऑलरेडी दूसरी लैंग्वेज में चेंज कर चुके होंगे तो आपको पता नहीं होगा। तो आप यहाँ से सबसे लास्ट में, लास्ट के बाद में नीचे से थर्ड एंड फिर वहाँ से नीचे से थर्ड एंड फिर वहाँ से ये लेफ़्ट में आपको ये डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करोगे तो लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में हो जाएगी। बट एक कंडीशन और है, सपोज़ यहाँ ये आपका मेनू बार नहीं दिख रहा, तो आप कैसे चेंज करोगे। जैसे कि मैं सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ, यानी मेनू बार हाइड कर देता हूँ, अब इस कंडीशन में कैसे चेक करोगे। तो गाइस, इस कंडीशन में आप कैसे चेंज करोगे, तो इस कंडीशन में क्या करोगे, आप कीबोर्ड से दो बटन प्रेस करोगे, कंट्रोल एंड एम। कंट्रोल एम प्रेस करोगे, मेनू बार आपका
शो हो जाएगा। एंड दोबारा हाइड करना है इसको, कंट्रोल एम से हाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो इसकी मदद से आप ऐसे करके एप्लीकेशन की लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज के अंदर आपको चेंज करना है, या फिर अगर आपको दोबारा से इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जो कि डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है इसकी, तो वो कर सकते हो, राइट गाइस। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।